ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आज पॉपुलेशन इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन की ग्रोथ। बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ इकोलॉजिकल स्टडी के लिए बहुत मायने रखती है। अगर किसी एक एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी हो रही है तो हम बहुत सी बातें कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट स्टेबल है ना, वहाँ वेरिएशंस कम है, वहाँ पर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अच्छा है, रिसोर्सेज अच्छे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो पॉपुलेशन स्टेबल है वहाँ की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको अच्छे से अपने को देखना है और इसको आगे अपन इस चीज़ को कोरिलेट भी करेंगे इकोलॉजिकल स्टडी में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कुछ एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, तो आइए देखते हैं। एक है नेटेलिटी और एक आता है बच्चों मॉर्टेलिटी, ठीक है, और इमिग्रेशन और एक आता है एमिग्रेशन। सो आइए अपन बात करते हैं नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब है बच्चों कि किसी भी पॉपुलेशन में गिवन पीरियड में बर्थ कितना हुआ है, यानी बर्थ इन गिवन पीरियड, गिवन पीरियड में बर्थ, राइट बच्चों। नाउ मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी का मतलब है डेथ इन गिवन पीरियड, गिवन पीरियड। सो नाउ नेटेलिटी बर्थ इन गिवन पीरियड, मॉर्टेलिटी डेथ इन गिवन पीरियड। नाउ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन में कितनी माइग्रेटरी स्पीसीज आई है जो हमारी इस पॉपुलेशन का पार्ट बनी है ना, तो माइग्रेटरी इंडिविजुअल का एड होना, इंडिविजुअल जो ऐड हुए हैं यहाँ पर जो आए हैं गिवन पीरियड में। एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब है कि कितने यहां से इंडिविजुअल लेफ्ट आउट हो गए, लेफ्ट आउट हो गए, यानी इस पॉपुलेशन से हटकर माइग्रेट होकर किसी अदर पॉपुलेशन का पार्ट बन गए हैं, यानी लेफ्ट आउट इंडिविजुअल इन गिवन पीरियड, राइट बच्चों। सो नेटेलिटी का मतलब हुआ कि पॉपुलेशन में गिवन पीरियड में बर्थ कितना है, मॉर्टेलिटी का मतलब है कि पॉपुलेशन में गिवन पीरियड में डेथ कितना है, इमिग्रेशन का मतलब है कि माइग्रेटरी इंडिविजुअल कितने ऐड हुए हैं, और एमिग्रेशन का मतलब है कि कितनी पॉपुलेशन यहां से लेफ्ट आउट हो चुकी है। इज दैट क्लियर। तो बच्चों अगर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो सब कुछ इंडिविजुअल के बेस पर ही पॉपुलेशन की ग्रोथ डिपेंड करेगी, है ना, उसी से तो ग्रोथ कैलकुलेट होगी, सॉरी, ठीक है। तो नेटेलिटी पॉपुलेशन की ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है तो अपन प्लस का साइन देंगे क्योंकि बर्थ होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी। मॉर्टेलिटी डिक्रीज करेगा पॉपुलेशन को, ये इंडिविजुअल आए हैं तो पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज होगी, और इंडिविजुअल गए हैं पॉपुलेशन से तो पॉपुलेशन की ग्रोथ डिक्रीज होगी, समझ गए। सो टू फैक्टर here increase to population growth and two factor here decrease to population growth, yani ye do minus wale hain aur ye do plus wale hain, theek baat। ab iske base par hum ek population growth ka general formula design kar sakte hain, and t plus 1 is equal to n 0 plus b plus i minus d plus e, करेक्ट। अब इसको समझिए, टी प्लस वन क्या है, टी टाइम के बाद पॉपुलेशन जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, एन जीरो इनिशियल पॉपुलेशन साइज कितना है, बी बर्थ कितना हुआ है, आई इमिग्रेशन कितना हुआ है, डी डेथ कितना हुआ है, और ई एमिग्रेशन कितना हुआ है। तो ये अपन वैल्यू पुट करके पॉपुलेशन टी टाइम के बाद निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई डाउट। अब बच्चों इस बेस पर मैं आपसे सिंपल सिंपल दो तीन क्वेश्चन पुट करूंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। अगर आपसे ये बोला जाए कि बी इंक्रीज हो रहा है, ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आई इंक्रीज हो रहा है, डी डिक्रीज है और ई डिक्रीज है, सो नाउ व्हाट इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसमें क्या होगा बेटा, बर्थ और इमिग्रेशन इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। वाइस वर्सा में रिजल्ट ऑपोजिट हो जाएगा, राइट।
अब इसी तरह से आपको ये बोला जाए कि B इज इक्वल्स टू D एंड I इज इक्वल्स टू E, सो व्हाट इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ? सो पॉपुलेशन ग्रोथ कॉन्स्टेंट रहेगी, है ना, क्योंकि इक्वल है तो पॉपुलेशन ग्रोथ एज इट इज रहेगी। अब एक मैं तीसरा आपको वैल्यू देता हूं और आपसे पूछ रहा हूं। अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बोला गया आपको कि B इंक्रीज हो रहा है, I डिक्रीज हो रहा है, D डिक्रीज हो रहा है और E इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, सिंपल सा देखते हैं कि भाई B बढ़ रहा है, D घट रहा है, ये सब बराबर, I डिक्रीज हो रहा है, E इंक्रीज हो रहा है, ये भी कैलकुलेशन बराबर, तो ग्रोथ कॉन्स्टेंट है और ये ऑप्शन भी होगा, बच्चे टिक कर देंगे। नहीं, आपको पता है क्या कि कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? वैल्यू तो नहीं दे रखी ना आपको, तो आप ये बोलेंगे कि यहां पर डाटा अनसफिशिएंट है, कंफ्यूजन है डाटा में, हम किसी भी करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ नहीं जा सकते। इज दैट क्लियर? तो इस तरह के भी जनरल थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने ये वाला तो दिया ही है, ठीक है। तो बच्चों इसके ये तो बेसिक बात हो गया ना, अब अपन ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं। तो ग्रोथ मॉडल में एक आपको दे रखी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, या इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जियोमेट्रिक ग्रोथ। ये ग्रोथ जो है वो कब होती है, ठीक है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना, क्या आइडियल कंडीशंस हैं, ठीक है, तो क्या इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा, पूरा हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल नाम से देखिए, ये ग्रोथ वो ग्रोथ है जिसमें पॉपुलेशन लगातार एक्सपेंड होती है, लगातार कॉन्टिन्यूस एक्सीलरेट होती है, यानी ग्रोथ कभी डिक्रीज होती ही नहीं है। यानी इस ग्रोथ के अंदर आर मैक्सिमम होता है, आर क्या है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ये मैं आगे समझाता हूं, ये आर मैक्सिमम है, ठीक है, नो कंपटीशन, किसी तरह का कंपटीशन भी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, नो स्ट्रगल, कोई स्ट्रगल भी नहीं है। स्ट्रगल किसके लिए होता है, कंपटीशन किसके लिए होता है, फॉर फूड, फॉर हैबिटेट एंड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये सब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है ना, आइडियल कंडीशन है बच्चे, ऑल कंडीशन आर आइडियल, नो एनवायरमेंटल बैरियर, कोई एनवायरमेंट बैरियर नहीं है, ठीक है ना, नो कैरिंग कैपेसिटी बैरियर, समझ, कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मैक्सिमम रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ना कंपटीशन है ना स्ट्रगल है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, जितना चाहे यूज करें, फूड, हैबिटेट और रिप्रोडक्शन के लिए सब कंडीशन आइडियल है, इन्वायरमेंट कोई बैरियर नहीं दे रहा है। वाह क्या बात है, सब कंडीशन कितनी अच्छी है, क्या ऐसा रियल में पॉसिबल है? मुझे ये बताइए, कोई लिविंग बींग इस अर्थ पे सरवाइव कर रहा है, इस नेचर में सरवाइव कर रहा है, तो क्या वो बिना किसी लिमिटेशन के सरवाइव कर रहा है? क्या उसे कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, रियल में संभव नहीं। तो ये ग्रोथ थ्योरेटिकली अच्छी लग सकती है, बट रियल में ये ग्रोथ पॉसिबल होने के चांसेस बहुत कम है, तो ये रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है। इज दैट क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आएगा कि कब ये होगा, किन कंडीशंस में ये ग्रोथ होगा, तो आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है, और हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपटीशन के हिसाब से भी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कंडीशन दे देता है और फिर पूछता है यहां कौन सी ग्रोथ पॉसिबल होगी, तो आपको बताना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट। अब ठीक है, यानी कोई बैरियर नहीं है बेटा, कोई स्ट्रगल नहीं है, तब ये ग्रोथ संभव है। अब इसका एक ग्राफ भी दे रखा है, कर्व दे रखा है, देखो इधर टाइम और इस वाई एक्सिस पर लेते हैं अपन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इस ग्रोथ में क्या होता है बच्चों कि ग्रोथ स्टार्ट हुई और उसके बाद ग्रोथ कंटिन्यूअस बढ़ेगी,
लगातार ग्रोथ इंक्रीज होगी, नो बैरियर, नो लिमिटेशन, ऑल कंडीशंस आर आइडियल, तो ग्रोथ लगातार क्या होगी बेटा, लगातार एक्सीलरेट होगी। तो ये जो कर्व है वो कैसा आता है, जो जे शेप का कर्व आता है, ये क्वेश्चन आपका सीधा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व कैसा आएगा, जे शेप का, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अपने इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एक बार क्वेश्चन पुट भी कर लिया गया ध्यान कि इसमें आप एक बात बताइए कि जो इंडिविजुअल, जो पॉपुलेशन ऐसे ग्रोथ कर रही है, क्या कभी उसने स्ट्रगल फेस किया? नहीं। क्या कभी उसने हार्श कंडीशन फेस की? नहीं। क्या वो हार्श कंडीशन के लिए अडेप्ट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने तो वो रिच कंडीशन में रही है भाई, उसको पता ही नहीं है कि गरीबी क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है, उसको नहीं पता। तो बच्चों, जिस दिन अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, इमीडिएट पॉपुलेशन क्रैश, एकदम से पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा। तो बच्चों, इसमें रैपिड क्रैश देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इफ अनफेवरेबल कंडीशन। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो एकदम से, जितना स्पीड से ये इंक्रीज हुई है, एकदम से क्रैश हो जाएगा, एकदम से क्रैश होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि कौन सी ग्रोथ रैपिड क्रैश होती है, कौन सी पॉपुलेशन में रैपिड क्रैश हो जाता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली पॉपुलेशन में रैपिड क्रैश होता है, राइट। तो अब अपन इनके, अब एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं आपको बता देना। अब इसमें पूछा जाता है बच्चों की एग्जाम्पल दीजिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बेटा, इंसेक्ट पॉपुलेशन की ग्रोथ इन रेनी सीजन, ये मेंशन करना है आपको। अब रेनी सीजन में आपने देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, इंसेक्ट गायब, तो वो क्या हो रहा है, वो रैपिड क्रैश हो रहा है। बैक्टीरियल कल्चर लैब कंडीशन में आप बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहे हो, ऑल कंडीशन सारा आइडियल, अच्छा न्यूट्रिएंट मीडिया दे रहे हो, अच्छा टेम्परेचर दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, जे शेप का कर्व लेगा। लेकिन अगर मीडिया में आपने एंटीबायोटिक डाल दी, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन दे दिया, एकदम से पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, एल्गल ब्लूम की ग्रोथ भी दे सकते हैं, एल्गल ब्लूम, एल्गी के अंदर जो एल्गल टाइड या एल्गल ब्लूम बोलते हैं ना, तो ये इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आता है, तो कई तरह के क्वेश्चन दे रहे थे मैंने, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है, एक वो रैपिड क्रैश वाला देखना है, ग्राफ का ध्यान रखना है आपको, और एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, और अब आता है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो बच्चों, इसका एक फॉर्मूला है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन, डी एन बाई डी टी यानी टी टाइम में पॉपुलेशन में जो चेंज आएगा वो डी एन बाई डी टी है, ये बर्थ रेट है, डेथ रेट है, और एन इनिशियल पॉपुलेशन है, लिखने की जरूरत है या समझ जाओ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखिए ना, बी बर्थ रेट, डी डेथ रेट, और एन क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, और ये टी टाइम के बाद पॉपुलेशन जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, इज दैट क्लियर। अब बच्चों, आर, आर इज इक्वल टू बी माइनस डी, नाउ व्हाट इज आर, आर को भी देख लेते, आर क्या है बच्चों, आर है बायोटिक पोटेंशियल। चलिए, नहीं समझे हो आप तो फिर और बताते हैं आपको, जब तक समझोगे नहीं बताते रहेंगे। आर का मतलब है इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। बोलो सर, अब तो बिल्कुल भी नहीं समझे, पहले थोड़ा बहुत समझ तो आ रहा है। आर का मतलब, अब मैं समझाता हूँ देसी भाषा में, आर का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल या पॉपुलेशन है, उसकी आइडियल कंडीशन में जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो उसकी रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करने की जो क्षमता है, उसी को आर कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो आर इज इक्वल टू बी माइनस डी। अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पुट किया है कि आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए क्या चाहिए आपको, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चाहिए हमें बर्थ रेट और डेथ रेट, है ना, उसका डिफरेंस निकाल के हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अब यहां भी ये भी ध्यान रखो कि अगर आर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और आर की वैल्यू कम है, तो मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, राइट। तो अब बेटा, इस इक्वेशन में हम रखेंगे dn by dt is equal to rm, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, b minus d की जगह क्या रख दिया, r रख दिया, ठीक है। अब हम इसको जो है इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, n t is equal to n0 e rt, ठीक है, n0 इनिशियल पॉपुलेशन, e लॉगरिथम बेस है, r रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, t टाइम है,
समझ आ गया होगा एकदम अच्छे से। वंस अगेन एन जीरो इनिशियल पॉपुलेशन, ई लॉगरिथम बेस, आर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, टी टाइम, इज दैट क्लियर। और ई की वैल्यू आपको पता होगी 2.718, ठीक है ना, ये वाली ध्यान रखिएगा। कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को, E is equal to 2.718, 280 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इसका जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है मैं असाइनमेंट में दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, राइट, ओके। इसके बाद आता है बेटा सेकंड मॉडल, और सेकंड मॉडल आता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, अब वही सेम क्वेश्चन हमारे रहेंगे कि कब लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी, क्या आइडियल कंडीशंस होती हैं, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है बेटा वो कब होती है, नंबर एक, जब रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो देखो पहले का ऑपोजिट कर दो, जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, जब कॉम्पिटिशन है, स्ट्रगल होगा, जब इन्वायरमेंट के बैरियर का इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन आर, आर क्या है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, जब इन्वायरमेंट बैरियर या इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है ना, इसको कैरिंग कैपेसिटी भी कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, कैरिंग कैपेसिटी, डिनोटेड बाय के, है ना, जब इन्वायरमेंट अपना इफेक्ट डाल रहा है किस पर, आर पर, वो मैक्सिमम नहीं करने देगा, समझ आ रहा ना, जितनी कैपेसिटी है उतना नहीं करने देगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी एक कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब उसके रिसोर्स लिमिटेड है, है ना। तो ये जब कंडीशन होगी तब लॉजिस्टिक ग्रोथ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए, जब लिमिटेड रिसोर्स हो, जब कॉम्पिटिशन हो, स्ट्रगल हो, इन्वायरमेंट के बैरियर का इफेक्ट हो, तब कौन सी ग्रोथ होती है, लॉजिस्टिक। और अब इन बातों से कहीं ना कहीं ये एक स्मेल तो आ रही होगी आपको, है ना, खुशबू, खुशबू तो अलग होती है, खुशबू आ रही होगी आपको, क्या आ रही है कि भाई ये ग्रोथ वास्तव में रियल में ग्रोथ है, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही होता है, है ना। डार्विन ने बोला था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तो करना ही पड़ता है, है ना, और नेचर उसी को सेलेक्ट करती है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इज दैट क्लियर। तो डार्विन की थ्योरी भी इसको फेवर करके, तो एनसीईआरटी में लाइन है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने मजाक में बोला है, पूछ लेगा कि अकॉर्डिंग टू डार्विनियन कॉन्सेप्ट विच ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक, तो दैट इज लॉजिस्टिक मॉडल, ठीक है ना, डार्विन भी इसके फेवर में है। तो ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है ना, रियल ग्रोथ मॉडल, वास्तव में ऐसा ही होता है, राइट। अब अपना इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है, ये बात समझ आ गई, ठीक है, अच्छे से देखिए, ओके। आप देखो बेटा इसका अपन ग्राफ देखते हैं, ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, बच्चों, दिस इज टाइम, और ये होगा पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब देखो ग्रोथ स्टार्ट हुई, इसको बोलते हैं लैग फेज, लैग फेज का मतलब ग्रोथ स्टार्ट हुई, एसिलरेशन, एसिलरेशन यानी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला स्टेप है। अब देखो बच्चों, अब जो मैं चीज बता रहा हूं कि कोई भी इन्वायरमेंट होता है बेटा, उस इन्वायरमेंट की एक लिमिट है, दैट इज के, कैरिंग कैपेसिटी, के मतलब कैरिंग कैपेसिटी, ये एक, देखो कोई भी इन्वायरमेंट है पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, फूड रिसोर्स भी लिमिटेड है, उसका हैबिटेट एरिया भी लिमिटेड है, और वहां पर रिप्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं हो सकता बेटा, वो डिपेंड करेगा इस पर, के पर, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कहां तक हो सकती है, कैरिंग कैपेसिटी तक, इन्वायरमेंट केवल अपनी कैपेसिटी तक ग्रोथ कर देगा, इसके बियॉन्ड अगर ग्रोथ जाएगी तो ग्रोथ को बेटा डिक्लाइन होना पड़ेगा, ग्रोथ को डिक्रीज होना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि कैरिंग कैपेसिटी के अभाव जाने पर क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी के अभाव जाने पर ग्रोथ डिक्रीज होगी, ये मैं कॉम्पिटेटिव बात कर रहा हूं आपसे, समझ आ रही है। तो मान लेते हैं बेटा कि ये कैरिंग कैपेसिटी,
इसमें कैरिंग कैपेसिटी का इफेक्ट पड़े। तो इसके बाद आता है बेटा ये देखो एसिलरेशन चल रहा था, यहां पर अगर स्ट्रगल होगा तो थोड़ा डिसिलरेशन की स्टेज आएगी और फिर इस तरह से है ना, तो ये डिसिलरेशन, इसको एसिम्प्टोमेटिक स्टेज कहते हैं। यहां पर एक बार ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगी, जितना नंबर ऑफ बर्थ होगा उतना डेथ हो जाएगा, समझ आ गया ना, बस लगभग ग्रोथ का साइज इक्वल रहेगा। अब इसके ऊपर अगर ग्रोथ करने की सोची कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर, ओ हो कॉम्पिटिशन स्टार्ट, स्ट्रगल स्टार्ट, रिसोर्सेज नहीं है, तो अब क्या होने वाला है, अब ग्रोथ डिक्रीज होने वाली है, अब ग्रोथ डिक्रीज डिक्लाइन फेज आने वाली है इसके बाद। सो ये जो कर्व आता है बेटा, इस कर्व को कहते हैं वर्ह्युलिस्ट पर ग्रोथ कर्व, एनसीईआरटी में नाम है ध्यान रखना, या इसका आप इजी नेम देख लो सिग्मोइड कर्व कहते हैं, और इजी बताते हैं इसे एस शेप का कर्व कहते हैं, एस शेप का कर्व, ठीक है ना, एस शेप का कर्व है इस तरह से, इज दैट क्लियर, तो एकदम समझ आया आपको अच्छे से, ये पूरा आपको ध्यान में रखना। वो जे शेप का था क्योंकि उस पर वो कर्व कुछ ऐसा था, देखो उस पर कैरिंग कैपेसिटी का कोई इफेक्ट नहीं था, के का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, बिकॉज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, के को कंसीडर ही नहीं किया हमने, समझ आया, तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व है, ठीक है। अब वही बात है बेटा कि हाँ इसमें रैपिड क्रैश नहीं होगा बेटा, इस ग्रोथ में रैपिड क्रैश नहीं होगा, जितना स्पीड से एसिलरेट हुआ है उतनी स्पीड से ग्रोथ गिरेगी नहीं, क्योंकि हम तो मजबूत हैं, हमने सारी परिस्थितियां देखी हैं, इन्होंने कंपटीशन भी किया है, इन्होंने स्ट्रगल भी किया है, इन्होंने रिसोर्स का लिमिटेशन भी देखा है, इसलिए आसानी से गिरने वाले नहीं है, मतलब नॉट रैपिड क्रैश, इसमें रैपिड क्रैश नहीं होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब अपन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या, देखो dn by dt इज इक्वल टू r k माइनस n by k into n। पहले इक्वेशन क्या थी हमारी, देखो हमारी इक्वेशन ये थी dn by dt इज इक्वल टू r एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसमें k नहीं था, k मतलब कैरिंग कैपेसिटी, k मतलब कैरिंग कैपेसिटी नहीं थी उसमें, राइट। अब क्या हो रहा है देखो, इस इक्वेशन का मतलब ये है, और ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ में मैं समझा रहा हूं आपको, ये देखो कि k माइनस n बाई k ये क्या है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को या एनवायरमेंट बैरियर को या कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट किया गया है k माइनस n बाई k से, ठीक है। तो k माइनस n बाई k इज अ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑन r, ये r को इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट के बैरियर आर को इफेक्ट करते हैं, एंड व्हाट इज आर, आर इज अ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, ओह सॉरी एनी काइंड ऑफ पॉपुलेशन, बायोटिक पोटेंशियल, तो इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस का इसके ऊपर इफेक्ट है, ये है बेटा के माइनस एन बाई के, समझ आया एकदम अच्छे से, बाकी इक्वेशन तो सेम है, बस एक इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस इसमें अपने को लगाना है, तो मेन कॉन्सेप्ट तो यही हो गया। अब अपन इस इक्वेशन को उस बेस में भी लिख सकते हैं, क्या था nt इज इंटीग्रल फॉर्म में, nt इज इक्वल टू n0 er, r के ऊपर इफेक्ट देना है k माइनस n बाय k और फिर आ जाएगा t, है ना, ये इंटीग्रल फॉर्म में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी आपको असाइनमेंट में मिलेगी, आपको सॉल्व करना है, जो डाउट आएंगे वो हम बताएंगे। अब एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आर की वैल्यू दे रखी है 0.0205 इन 1981 और 0.176 इन 2001, ये जो डाटा दे रखा है आर की वैल्यू का वो ह्यूमन पॉपुलेशन का दे रखा है इंडिया के अंदर, ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया, एनसीईआरटी का डाटा है, और एनसीईआरटी का डाटा ना याद करना बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, समझ आया। इसी तरह R की वैल्यू दे रखी 0.015 नॉर्वे रेट के लिए, और R की वैल्यू दे रखी है 0.12 फ्लोर बीटल के लिए, ठीक है ना। तो ये चार R की वैल्यू है और इनको बहुत अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में भी, ठीक है। तो बच्चों आप अच्छे से वीडियो लेक्चर सुनना, डाउट्स है तो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।